हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा टीके 2020, जिसमें टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन आपकी हिंदी शामिल है। ठीक है, इससे पहले क्या है, 6 पार्ट हम हिंदी का बना चुके हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते। तो आपके पास अध्यापक बनने का एक सुनहरा मौका है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। सो फ्रेंड, जो हमारे नए व्यूअर्स से, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ये भी बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फ्रेंड। साथ ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी अभिखंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी वीडियो चल रही है, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आप भी बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। सो फ्रेंड, ये हिंदी की वीडियो है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है। आपको ये बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 3 रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, ऑप्शन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सरल वाक्य, ध्यान दीजिएगा कौन सरल वाक्य है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसने आज सुबह दूध पिया, ये क्या, ये एक सरल वाक्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, 2020 में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट जल्दी वैकेंसी आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कठिन से सरल की ओर, इस तरह से नहीं होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होती। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मोबाइल फोन, ये भाषा प्रयोगशाला में नहीं होती, मोबाइल फोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मौखिक परीक्षा से उच्चारण कौशल की परीक्षा ली जा सकती है, मौखिक परीक्षा से फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। फ्रेंड, आपको यह बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है, ये कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपहास, ये शिक्षण में नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि आपको गद्यांश से पढ़कर देना है, जिन लोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना लिया, वे सहज भाषा नहीं पा सकते। व्याकरण और भाषा शास्त्र केवल पर यह भाषा नहीं बनाई जा सकती, कोशों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं गढ़ा जा सकता। कबीरदास और तुलसीदास को ये भाषा मिली थी, महात्मा गांधी को भी ये भाषा मिली, क्योंकि वे सहज हो सके, उनमें दान करने की क्षमता थी, शब्दों का हिसाब लगाने से यह दातृत्व मिलता नहीं, अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़ कर महासहज के समक्ष समर्पण कर देने से प्राप्त होता है, जो अपने को निशेष भाव से नहीं दे सका वह दाता नहीं हो सकता। आप में अगर देने लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जाएगी, पहले सहज भाषा बनेगी, फिर उसमें देने योग्य पदार्थ भरे जाएंगे, ये गलत रास्ता है। सही रास्ता ये है कि पहले देने की क्षमता उपार्जन कीजिए, इसके लिए तप की जरूरत है, साधना की जरूरत है, अपने को निशेष भाव से दान कर देने की जरूरत है। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिसाब, ये क्या, ये तत्सम नहीं, ये तद्भव शब्द है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शब्द विदेशी है,
यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी गलत शब्द क्या है, ये विदेशी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है, निम्न में से कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं लगा ये बताना है आपको। चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, दान। दान क्या है, प्रत्यय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शास्त्र में समास है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, तत्पुरुष समास। भाषा शास्त्र में कौन सा समास है आपके, तत्पुरुष समास। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जन में संधि है, सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है, यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वे, क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम कौन सा है, वे शब्द है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित द्राक्षा में विशेषण है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भाषा शिक्षण की ऋतुलेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, हस्तलिपि सुधारना भाषा शिक्षण की ऋतुलेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संस्कृत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रारंभिक स्तर पर लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, प्राथमिक स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है, चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत शब्द है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बाघ, ये एक असंगत शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक उपवाक और तथा योम जैसे योजकों से जुड़े हो तो होता है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टी के संयुक्त वाक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि गद्यांश से पढ़कर बताना है, कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो, काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। सुप्रीम फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवित का विलोम होगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, मृत्यु। जीवित का विलोम शब्द कौन सा है, मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, पीढ़ी शब्द में क्या है, प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलजुल समास का विग्रह है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, मिल और जुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है, यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी एक, अव्यय शब्द है एक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है, चलिए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी श्रवण लेखन का सबसे अधिक विकास होता है। सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी फ्रेंड। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, जलवायु। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी होंगे, ठीक है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता एवं विवेदीकरण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन उपयोगी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, ठीक है, विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उपचारात्मक शिक्षण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है, अब यहां पे आपको बताना है विधेय है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बहुत अच्छा चित्रकार, इस वाक्य में विधेय है, बहुत अच्छा चित्रकार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा घर जाती है वाक्य है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी सरल वाक्य है, सलमा घर जाती, ये वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संज्ञा पदबंध। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है, अब यहां पे अर्थ बताना है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी क्रोध कम होना, पारा उतरना का मुहावरा है क्रोध कम होना। ओके, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंखें फेर लेना। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उदासीन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है डैश, चलिए बताइए फ्रेंड, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं फ्रेंड। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भाषा है डैश, भाषा क्या है बताना है आपको, ऑप्शन है, ठीक है, अर्जित संपत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्राणी की भूमिका सबसे अधिक है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, साक्षात्कार, ठीक है, इंटरव्यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों की संख्या है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, चार, भाषा कौशल की संख्या कितनी है? चार। चलिए बताइएगा फ्रेंड, वीडियो कैसे लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।